हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग टू माय चैनल सुधीर म्यूजिकल। तो गाइस अब मैं आपको राग तोड़ी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था, राग तोड़ी का मैंने थाट तोड़ी जो है मैंने बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक मिल जाएगा। मैंने थाट तोड़ी के बारे में बता दिया गाइस, तो आज मैं राग तोड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा गाइस। मेरे लेसन को स्किप करके मत देखिएगा, वरना कोई डिटेल रहती है जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। और मैं इंडियन क्लासिकल टाइप से आपको गिटार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और आज राग तोड़ी के बारे में देखते हैं गाइस। तो जो राग तोड़ी है, इसमें जो इसकी जाति है वो संपूर्ण है गाइस, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पूरे के आरोह में भी सात नोट, अवरोह में भी, तो जाति संपूर्ण गाइस। तो इसके आरोह को चार स्वर हमारे जो हैं वो कोमल जाते हैं, उसमें रे गा धा और मा तीव्र गाइस। उसमें जो कोमल स्वर हैं वो कौन से जा रहे हैं, रे गा और धा, और जो एक मा तीव्र जा रहा है, तो कोमल की संख्या चार हो गई है। तो ये जो थोड़ी राग है गाइस, इसमें चार कोमल स्वर जाते हैं, तो ये एक मा तीव्र स्पेशल होता है गाइस। होता ये भी कोमल ही है इसे भी, लेकिन इसे स्पेशल बोलना पड़ता है मा तीव्र। तो गाइस तीन तो हो गए, रे गा धा। तो गाइस रे गा धा तो तीन स्वर हो गए, और चौथा कौन सा हो गया, मा तीव्र। तो गाइस चार स्वर जो हैं इसमें कोमल जा रहे हैं, और जो कि मैंने थाट में भी इसकी थोड़ी डिटेल दी थी और मैं इसमें भी डिटेल ही बता के चल रहा हूँ। आज मैं आपको राग तोड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और राग तोड़ी जो है ये संपूर्ण जाति का राग होता है। तो गाइस आप डिटेल लिख सकते हैं, और इसमें जो वादी स्वर है वो धैवत है और संवादी स्वर है वो गंधार है गाइस। गाइस गायन समय है वो दिन का दूसरा पहर है। तोड़ी थाट में गाइस क्या बता दूँ, एक अंदर ये मियाँ तानसेन द्वारा रचित राग है, और ये इसे मियाँ की तोड़ी भी कहा जाता है गाइस। मियाँ तानसेन जी से दरबार में गाया करते थे, और जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है गाइस, इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर है। इसके संप्रकृतिक राग हैं, जो संप्रकृतिक राग हैं वो है गुर्जरी तोड़ी और मुल्तानी, क्योंकि इसमें चार कोमल स्वर और एक मा तीव्र जा रहा है, तो प्रकृति गंभीर है गाइस। और मैं बताऊंगा गंभीर प्रकृति भी कैसे रहती है गाइस, और इसकी एक विशेषता है गाइस, इसमें जो पाल आरोह में तो वो वक्र में लेते हैं गाइस। वक्र का मतलब होता है, पहले मैंने बता रखा है वक्र का मतलब, और मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि इसका जो गायन समय है वो दिन का दूसरा पहर है। राग को कि गिटार पर किस प्रकार से फील देता है, तो गाइस बहुत अच्छा राग है, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि मैंने जो पिछला लेसन डाला था थाट का, इसका आपने उसमें आरोह अवरोह और अलंकारों की प्रैक्टिस, गाइस इसमें आपने अलंकारों की प्रैक्टिस की होगी। तो अब मैं आज इस पर गिटार का इसका आपको आलाप ही बताऊँगा गाइस, और आने वाले अगली वीडियो में मैं इस पर एक बंदिश बताऊँगा या सॉन्ग बताऊंगा किस प्रकार से प्ले होता है। गाइस एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, यदि किसी भी भाई को क्लासिकल में कुछ पूछना है या जो भी कुछ पूछना है, क्लासिकल में कुछ भी पूछना है गिटार पर किस प्रकार प्ले होगा, तो डायरेक्ट नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप DM कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट और फॉलो कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस देरी न करते हुए चलते हैं लेसन की ओर। गाइस आप ये गिटार का फ्रेटबोर्ड देख पा रहे होंगे, तो आज मैं आपको जो है थोड़ी राग बता रहा हूँ गाइस। मैंने बताया है इसकी, मैं जल्दी से डिटेल एक बार और बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। तो गाइस एक बार ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको सी मेजर स्केल से बताता हूँ गाइस। तो गाइस ये सी है, तो ये वाला सी नोट, तो पहले हम सी का स्केल देख लेते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गाइस सा रे गा मा पा धा नी
मा गा रे सा। यदि किसी भाई को ये नहीं आता है सी मेजर स्केल, तो मैंने तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो सी मेजर स्केल की आपको 4 पोजीशन मिल जाएंगे। आप पहले उन्हें देख सकते हैं और फिर समझ सकते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, एक सी मेजर यहाँ से सा रे गा मा पा गा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो गाइस ये राग इतना अच्छा फील देता है, आप इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो गाइस देखते हैं ये पता कैसे लगेगा गाइस कि हमें ये राग थोड़ी कैसे बनेगा। तो मैंने बताया कोई भी आप मेजर स्केल लीजिएगा, वो सी का हो, डी का हो, डी शार्प हो, कोई सा भी हो सकता है गाइस, जो भी आप चाहें। आप मैं हमेशा सी से बताता हूँ क्योंकि ये जो है सी मेजर स्केल से ही बताता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्ध स्केल होता है। इसमें सारे नोट सी का, ये एक स्केल ऐसा है गाइस जो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, बाकी और स्केल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं गाइस। तो देखिए तो गाइस हमेशा ध्यान रखना किसी भी स्केल में हो मेजर, कौन सा गाइस मेजर स्केल उसमें क्या, और माँ को रे गा धा को कोमल कर दे और माँ को तीव्र कर दे। तो क्या करते हैं गाइस, यदि किसी भी मेजर स्केल में रे गा धा को कोमल कर दे और माँ को तीव्र कर दे तो कौन सा राग हो जाएगा, तोड़ी। तो देखिए गाइस ये सा है, अब हम राग तोड़ी बनाने जा रहे हैं गाइस। सा ये रे सुध है गाइस, तो इसे कोमल रे, तो सा रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, पा धा कोमल, नी सुध और सा सा नी सुध, धा कोमल, पा मा तीव्र, गा कोमल, रे कोमल, सा। तो गाइस समझ गए होंगे आप, और नज़दीक से देखिए गाइस। सा रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, पा धा कोमल, नी सुध, सा सा। ये तो गाइस आरोह था, अब अवरोह में सा नी सुध, सा नी सुध, धा कोमल, पा मा तीव्र, गा कोमल, रे कोमल, सा। तो गाइस नोटेशन क्या होगी, गाइस यदि आप इसका फील देखेंगे तो प्रकृति देखिए कितनी गंभीर नजर आती है गाइस। तो गाइस ऐसे ही सेम यहाँ से लेंगे, यहाँ से रे गा मा पा धा नी सा, ये मेजर स्केल है। इसमें भी क्या करेंगे गाइस हम, ये सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसमें भी क्या करेंगे गाइस सेम है, रे गा धा को कोमल कर दो और माँ को तीव्र कर दो। इसमें भी नोट सा रे कोमल, गा कोमल, माँ तीव्र, पा धा कोमल, नी सुध, सा सा नी सुध, धा कोमल, पा मा तीव्र, गा कोमल, रे कोमल, सा। तो गाइस समझ गए होंगे, इसे भी आराम से बताएं। तो गाइस आप ये देख के समझ गए होंगे, तो जिसको आप धा कहते हैं और संवादी स्वर गा है जिसको गंधार कहते हैं फुल फॉर्म में। तो गाइस यानी कि ये वादी का क्या मतलब, वादी का मतलब है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वादी होता किसी भी और उससे कम यूज़ होने वाला संवादी। तो इसका वादी कौन सा है, धैवत यानी कि धा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और संवादी कौन सा है, गा जो कि उससे कम कुछ यूज़ होगा गाइस।
और इसमें गाइस मेन काम क्या है, जो ये न्यास के स्वर हैं उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। जो भी राग यदि पूर्ण रूप से आप विस्तार करते हैं, यदि आपको न्यास के स्वर नहीं पता हैं तो गाइस आप उसे अच्छे से विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो न्यास के स्वर का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। न्यास का स्वर जो है इसमें गा और धाई है गाइस, ये न्यास के स्वर ही हैं इसी के। और जो इसका जो मेन है प्ले करते समय पा को हम वक्र में लेते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। और इसके जो आरोह है, तो गाइस आरोह में हम कभी कभी पा को लेते ही नहीं है, वर्जित ही कर देते हैं गाइस, जैसा कि मैं चलन में बताऊंगा आपको। तो और इसकी जाति मैंने बता दी संपूर्ण है गाइस, तो इसका विस्तार मैं बता रहा हूँ, तो विस्तार समझिए। देखिए राइस, पहले मैं आपको ये विस्तार जो है ये फील के साथ बजा के दिखा रहा हूँ, और फिर मैं इसको विस्तार को आपको एक एक नोट समझाऊंगा गाइस। तो देखिए कैसा फील देता है गाइस, ये फील को समझिए। का आरो मैं एक एक बार और बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आरो है सा नी धा पा मा गा रे सा, ये अवरोह है गाइस। तो समझिए आरो में सा रे कोमल गा कोमल मा तीव्र
पा धा कोमल नी सुध सा, अब रो में सा नी सुध धा कोमल पा मा तीव्र गा कोमल रे कोमल सा। गाइस सेम ऐसे ही यहाँ पे है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो गाइस इसमें आरोह अवरोह मैंने बता दिए हैं, तो इसके अब पकड़ देखते हैं। गाइस पकड़ का मतलब होता है कि जो राग का चलन होता है वो आपको बताएगा ये कौन सा राग गा रहे हो आप। गाइस ये जरूरी होता है, तो मैं आपको दो चार पकड़ बता देता हूँ। मुख्य अंग कहते हैं गाइस, इसके बहुत सारे मुख्य अंग हैं वैसे तो, लेकिन मेन जो है मैं वो बता रहा हूँ। एक तो गाइस धानी सा, धा नीचे वाला, गाइस क्या हो गया धानी सा। तो ये माँ से चला हुआ आ रहा है गाइस था, तीव्र है ना गाइस, मा पा मा धा सीधा मा से, या धा धा धानी सा। आप इसे स्लाइड में लेंगे गाइस, ऐसे गाइस बैक में शोर हो रहा है उसके लिए सॉरी, आप इस पे ध्यान दें। आप इसे स्लाइड में लेंगे माँ से मा तीव्र। तो गाइस देखिए धानी सा एक आलाप करने का तरीका है इसमें, इंस्ट्रूमेंट पे जो आप बजाओगे गाइस। और गाइस जो मेन मुख्य अंग है वो कौन सा है, रे गा रे गा रे सा। गाइस ये तोड़ी का मेन मुख्य अंग है, इससे तोड़ी पहचाना जाता है गाइस। सा रे गा रे गा रे सा सा। तो गाइस कैसे बजेगा गिटार पर, तो गाइस आप देख के फील भी समझ गए होंगे कितना अच्छा आ रहा है। धानी सा सा रे गा रे गा रे सा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें सा नी धा सा नी धा। एक ये लिख लीजिए गाइस, सा नी धा मा धा नी सा। फिर वही गाइस, ये रे गा रे सा। तो ये तोड़ी का मेन मुख्य अंग मैंने बताया ये गाइस, तो धा नी नी सा ये भी ले सकते हैं गाइस आप। तो गाइस आप क्या ले सकते हैं, धा नी नी सा, और नी को भी अगर स्लाइड में धा को स्लाइड, धा नी नी सा ऐसे भी ले सकते हैं गाइस। और मागा रेगा रेसा गाइस एक है, मा मा जो है इसका गा से चला आ रहा है मागा, ये मागा रेगा गाइस। यहाँ पे देखना है तो कैसे लेंगे, मा गा रे गा रे सा। तो गाइस अगर फील के साथ बजाना है तो स्लाइड का ध्यान रखें, ये गा से चला आ रहा है माँ, तो गाइस आप फील भी देख रहे होंगे रेगा रे सा। तो गाइस एक ये ले सकते हैं, सा गा मा पा धा पा सा गा मा पा धा पा मा गा रेगा रे सा। गाइज ये भी ले सकते हैं आप, एक माधनी धा पा
मा धा नी दा पा, लगाना गाइस वक्र में पा, देखो मा धा पा ऐसे भी ले सकते हैं, या मा धा नी दा, मा धा नी दा पा, एक तो नोटेशन ही है गाइस, एक मा धा पा नी दा मा गा रे गा रे सा। तो गाइस ये भी आप देख के समझ गए होंगे गाइस, तो मैं इसमें एक बंदिश लाऊंगा गाइस, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इतना। गाइस यदि किसी भाई के कुछ समझ ना आए हो तो उसमें कमेंट करेगा गाइस, तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ये जो मैंने बताया ये राग तोड़ी के बारे में बताया गाइस, तो यदि मेरे चैनल से गाइस आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि मैं आपके डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप DM कर सकते हैं गाइस, यदि किसी को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम की ID आपको मिल जाएगी गाइस, इसमें नीचे आ रही होगी, नीचे ID आ रही है इंस्टाग्राम के, आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिएगा, डायरेक्ट DM कीजिएगा यदि किसी भाई को कुछ पूछना है गाइस। तो गाइस आज ही के लिए इतना लेसन, तो थैंक यू गाइस।